अब पीछे हमारा सीड बॉक्स होता है। सीड बॉक्स में जैसे ये आप देख रहे हैं कि 11 फ्लूटेड रोलर लगा हुआ है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं फ्लूटेड टाइप का फ्लूटेड रोलर मेटरिंग मैकेनिज्म। 11 है तो अगर इसका मतलब है कि 11 लाइन में ये सीड की बुआई करेगा। अब इसमें क्या होता है कि ये अल्मोनियम का होने के चलते अब हम अगर हमारा यहाँ पर किसी भी टाइप का अगर केमिकल रह गया या कुछ भी तो ये जाम होने का संभावना होता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, किसी डीजल से या केरोसिन तेल से या पेट्रोल से हम यहाँ पर पहले सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद सभी में हम वाइल्किन से इस टाइप से हम वाइल देंगे। वाइल देने के बाद क्या होता है कि जाम होने की संभावना ना के बराबर में रहती है। अब आप देखा जाता है कि कंपनी भी यहाँ बताते हैं कि वाइल्किन से वाइल यहाँ पर दिया जाता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसको कहते हैं ओपनिंग पोजीशन। इससे हम क्या होता है कि यहाँ पर हमारा क्या है कि 0 से लेकर के 1, 1.2 माने 1.5, 2, 2 के बाद 2.5, फिर के बाद 3, 3 के बाद 3.5, इस टाइप का नंबर है। और इसमें क्या है कि पॉइंट बना हुआ है, जिस नंबर पर हमको लगाना है उस नंबर पर हम जा कर के इस बोल्ट को टाइट कर देंगे ताकि हमारा इधर से उधर ना हो। अब हमारा क्या है कि ये मैटरिंग मैकेनिज्म में सीड ट्यूब लगा हुआ है और सीड ट्यूब जो है यहाँ से फर्रो ओपनर यानी कि टाइन भी कहते हैं, टाइन में लगा हुआ है। अब टाइन में क्या हुआ है कि सीड का जो ये का जो ट्यूब है वो लगा हुआ है, इसको हम बूट कहते हैं, इसको हम बूट कहते हैं। और बूट में ये पाइप लगा हुआ रहता है और ये हमारा फर्रो ओपनर कहलाता है। इसमें हमारा बीज यानी कि पीछे बीज का पाइप है, आगे जो है फर्टिलाइज़र का पाइप है। जब हमारा बिना जुताई किए हुए खेत में ये जीरो टिलेज चलेगा तो ये जो आपको फर्रो ओपनर है जो इसको हम टाइन बोलते हैं, ये उल्टा टी टाइप का होता है। इसको कहा जाता है उल्टा टी टाइप का टाइन। ये बिना जुताई किए हुए खेत में लगभग 30 से 35% तक नमी हो यानी खेत में जब चलते हैं तो खेत दबता हो उस समय आप 10 से 15 दिन बचा करके आप इसमें बुआई कर सकते हैं। इस पर ट्रैक्टर पर जो खिंचाव लगता है वो बहुत ही कम हो जाता है।